हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता हूँ एंड हमारे चार्जेस प्राइस इतने कम क्यों हैं, एंड उसके साथ ही कुछ चीज़ें थी जो टॉपिक था मैंने बीच में मिस हो गया था मेरे से, इसलिए वो वीडियो दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ, दोबारा बना रहा हूँ। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी, आपका इसमें सवाल आपका क्लियर होगा। जैसे मोस्टली लोग पूछते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हो, तो उसका मैं रीज़न बताया था कि कंपनी को भी कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है, कि बेनिफिट देना पड़ता है कि आप कंपनी हमारे बंदे को क्यों हायर करे, क्योंकि आपको भी पता है यूरोप में बहुत सारे बंदे हैं, उनको क्या बीमारी पड़ी है कि वो इंडिया से, पाकिस्तान, नेपाली, बांग्लादेश से बंदे को हायर करे। उसका कोई रीज़न होना चाहिए ना, तो इसलिए उनको हम रीज़न दिखाते हैं कि हम एक तो सस्ती लेबर आपको प्रोवाइड करेंगे, सेकेंड आपके 6 साल 7 साल 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसलिए मेरे जो भी काम होते हैं कम से कम 2 साल ज़्यादा से 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ कुछ कंपनी में थोड़ा ज़्यादा भी कॉन्ट्रैक्ट होना, उसको बेनिफिट लगता है कि सस्ती लेबर उनको मिल रही है कंपनी को एंड काफ़ी समय के लिए मिल रही है। नहीं तो समझो कि यूरोप में भी काफ़ी बंदे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है इंडिया से, पाकिस्तान से बंदे हायर करने की, इतनी दूर से मंगाते हैं, इतना टाइम अपना लगाते हैं, इतने डॉक्यूमेंटेशन लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? कोई ना कोई बेनिफिट के लिए लगाते हैं ना, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड इसलिए हमारा प्राइस कम है, क्योंकि उसी चीज़ में हम करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में आप कंपनी तब तक ना ही छोड़ सकते हैं, ना ही जॉब चेंज कर सकते हैं। ये जब मैं ये चीज़ें कस्टमर को बोलता हूँ तो कस्टमर मुझे, बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि सर ऐसा कोई कानून तो नहीं है, ठीक है, तो हम तो जॉब चेंज कर सकते हो ये चीज़, तो उनके लिए रिप्लाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। ऑलरेडी जिन्होंने 1-to-1 कंसल्टिंग ली उनको मैंने ऑलरेडी रिप्लाई भी दिया, काफ़ी लोग को समझाता हूँ, बट जब मैं 1-to-1 कंसल्टिंग बताया, बट हर एक बंदे को समझाना, इतनी इतनी सेम चीज़ें को रिपीट करना पॉसिबल ही नहीं है, इतनी सभी को बताना टाइम कंज्यूम होता है, तो आपके लिए वो चीज़ मैं बना रहा हूँ। जैसे बोलते हैं कि ये कानून तो नहीं है ना, लीगल तो नहीं है, उसमें कानून नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में जाओ, कानून है कि आप चेंज कर सकते हो, आपको अच्छा ना लगे ये ना फलाना टीम का, है ना। क्योंकि जो भी कस्टमर आएगा मेरे पास, वो ये तो है नहीं अकेले मेरी वीडियो देखेगा, है ना, वो और भी यूट्यूबर की वीडियो देख के उनके पास से सारा घूम घुमा के मेरे पास आते, जहाँ मेरे से जो नई हैंडल होते वो मेरे से घूम घुमा के उनके पास जाते, ठीक है, तो आधी बात उनकी सुन लेते, आधी बात मेरी सुन लेते, तो इसलिए फिर ये चीज़ें पूछते हैं, ये कानून नहीं है, ये नहीं है। कानून तो ये भी नहीं कि किसी एजेंट के पास जाओ, ठीक है, एक दिमाग लगा के सोचो, ये कोई कानून नहीं है कि एजेंट के पास जाके ही वीज़ा लगी है, ऐसा कोई कानून नहीं है। हर एक देश ने अपना कौंसलेट नियुक्त किया हुआ, अपनी वेबसाइट प्रॉपर उसमें ऑनलाइन की हुई है, किसी भी कंट्री की वेबसाइट ढूंढो, वेबसाइट में जाके जो वीज़ा आपको चाहिए, चाहे टूरिस्ट वीज़ा, चाहे वर्क वीज़ा, चाहे स्टडी वीज़ा, चाहे बिजनेस वीज़ा, चाहे कुछ कोई भी वीज़ा, ठीक है, उसमें जाओ, उसमें अप्लाई करो, डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करो, लीगल तरीके से करो। किसी देश का कानून नहीं है, किसी भी देश का कानून नहीं है कि कंसल्टेंट के पास जाओ, एजेंट के पास जाओ, ठीक है, किसी देश का कानून नहीं है। एजेंट कंसल्टेंट हमारे जैसा जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से होते हैं, जो बंदा कोशिश ही नहीं करता कि हमने ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑनलाइन सबमिशन फाइल करनी है, जब वो नहीं होता उसके बाद एजेंट लोग हमारे जैसे, मेरे जैसे एजेंट लोग मार्केट में आते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको ये कराऊंगा, ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा, आप ये सर्विस प्रोवाइड करोगे तो इतना सारा जो हमारे बीच में बिजनेस होता है, डील होता है, उतने हमें पैसे दे रहे हैं, ठीक है। ये कानून नहीं है कि किसी देश का कानून है कि किसी एजेंट के पास अप्लाई करो। लोगों को ये जरूर समझ आता है कि कॉन्ट्रैक्ट का कोई कानून नहीं है, आप हमें रख नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, उनको ये नहीं पता लगता ये भी कानून नहीं है कि एजेंट के पास जाना, ठीक है। इसलिए दुनिया में हर एक देश में काफ़ी सारे कानून हैं, तो जब तक हमारा दाल फुल्का चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, हम कर रहे हैं, जब तक मेरे पास क्लाइंट आते रहेंगे, मेरा काम, मेरी कंपनियां हमें, हमारे बंदे को हायर करती रहेगी, हमारा काम चलता रहेगा, तब तक हम करते रहेंगे। जब किसी ने बंद कर दिया तो फिर बंद कर दिया, वो जो बंद होगा वो सबके लिए होगा, अकेले मेरे लिए थोड़ी होगा। जब हम ज़िंदगी में नहीं थे, हमारे इस दुनिया में नहीं थे, तब भी एजेंट थे, अब हम आगे हम भी एजेंट हैं, हमारे साथ और भी कलीग्स बहुत है, वो और भी एजेंट काफ़ी, यूट्यूब में ढूंढ लेना, सोशल मीडिया में ढूंढ लेना, आपको एजेंट बहुत सारे मिल जाएंगे। जब हम एजेंट का काम छोड़ देंगे तब भी दुनिया में एजेंट बड़े होंगे, फिर हमारे से भी धुलंधर होंगे, कोई
यूट्यूबर कोई जो कंसल्टेंट अपने आप को धुलंधर ना समझे, ठीक है। मैं भी अपने आप को धुलंधर नहीं समझता, ये नहीं कि सिर्फ मेरे पास ही वर्क परमिट होता या सिर्फ और सिर्फ मैं ही काम करा सकता। हम भी एक यूनिवर्स के छोटे से पार्ट है, ठीक है, यूनिवर्स के छोटे से पार्ट है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, दूसरे लोग अपना कर्म कर रहे हैं। आपने अपना कर्म करना, किसी को जब किसी को कॉल करनी है, किसी से कंसल्टेंट है नहीं, जूम मीटिंग ये नहीं करना, उसने ये किया, उसने फलाने ने ये किया। सबका अपना अपना किस्मत है, सबका काम करने का अपना अपना तरीका है, सबका अपनी अपनी कोई ना कोई सेटिंग बनी। मेरी सेटिंग बैठनी बनी है कंपनी के साथ के मैं आपको इतने साल के कॉन्ट्रैक्ट में दूंगा, सस्ती लेबर आपको प्रोवाइड करूंगा, तो वो मेरे बंदे हायर कर रहे हैं। अगर मेरे से कोई धुलंधर बंदा इंडस्ट्री में आएगा कि ये चीज़ प्रोवाइड कंपनी करूँगा, कंपनी उनसे लेंगे, ठीक है ना। अंडरस्टैंड, कई एजेंट होते कंपनी को पैसे देते हैं कि हमारे बंदे हायर करो, बट वो अमाउंट भी तो पहाड़ जितनी होती है ना। फिर साहब लाओ कोई कंपनी, जैसा माल्टा में कोई कंपनी, कोई भी उसका सुपरवाइजर या मैनेजर बंदा हायर कर रहेगा, है ना, एचआर वाले हायर करेगा, $10,000 से तो कम नहीं लेंगे ना। अगर $10,000 लेंगे तो मतलब साढ़े साढ़े आठ नौ लाख का खर्चा, 8.5-9 लाख उसने लिया, तो फिर जो जिसने आपका काम कराया उसने अपने खर्चे, बाकी सारे जो जेन्युइन खर्चे लगने वो निकालो आप, इतना सारा पैसा आपका लगेगा। इतने सारे पैसे होते, आप घर में बैठे होते, अपने कंट्री में होते, अपना बिजनेस सेटअप करते, इतने पैसे ही होते आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ ना करा करके वो एजेंट ये कराता, उस वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। अगर बाहर जाना उसका कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, कंडीशन को अगर फुलफिल कर सकते हो, मान सकते हो, तब भी मेरे पास आना। अदरवाइज बहुत सारे एजेंट हैं मेरे से अच्छे अच्छे मेरे से धुलंधर है, ठीक है। मैं तो एक स्मॉल सा पार्ट हूँ इस यूनिवर्स का, स्मॉल सा पार्ट हूँ। जो मेरे पास काम होता है मैं करता हूँ, एंड जो नहीं होता उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यही चीज़ है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अगर मेरी सर्विस चाहते हो तो यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो डिस्क्रिप्शन, मेरी वेबसाइट दी होगी, उसमें जो वेबिनार को ज्वाइन करके मेरी सर्विस ले सकते हो। अगर आप फेसबुक में या इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो आप उसमें बायो में लिंक दिया होगा, उसमें यूट्यूब में जाके मेरी सर्विस ले सकते हो, ठीक है सर। मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें जाके वेबिनार ज्वाइन कर लें, मेरी सर्विस मिल जाएगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जो करें। थैंक यू सो मच।